हेलो अस्सलाम वालेकुम आई टी फैमिली मेम्बर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों से मैं शेयर करूँगी कि हेयर रेमेडी है ये, हेयर फॉल रेमेडी है। उससे पहले मैं अपनी कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं इतने दिनों से वीडियो वैसे नहीं बना रही थी क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ थी और कुछ सिकनेस थी। तो और मुझे आप लोगों से गुड न्यूज़ भी शेयर करनी थी, वो गुड न्यूज़ ये है कि आई एम प्रेगनेंट इट्स 7 मंथ्स। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की क्या वजूहत थी, आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं। तो आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ और फिर आप लोगों से शेयर कर सकूँ। वैसे मैं अपडेट देती रहूँगी और आप लोग भी मुझसे लिंक से जुड़े रहिएगा। तो हम चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। रेमेडी में जो बनाने जा रही हूँ वो है हेयर फॉल की, क्योंकि बाल मेरे बहुत गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में। और ये रेमेडी वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिनके बाल बहुत गिरते हैं। मौसम चल रहा है उसमें हर किसी के बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल का मसला है हर बच्ची को, हर बड़े को, सबको। ये तो ये रेमेडी हर कोई यूज़ कर सकता है, ख़ास तौर पर बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग लैड। तो चलते हैं हम रेमेडी की तरफ। रेमेडी का मैं एक कैप्शन रखा है, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। 5 प्रॉब्लम्स ये कि हेयर फॉल, बाल गिरना, नो शाइनिंग, फ्रीजी और सबसे बिग प्रॉब्लम बाल पतले हो जाना। बाल जब गिरते हैं तो पतले होने लग जाते हैं, दो मुंह के होते हैं तब भी बालों की लाइन जो है ख़त्म होने लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि अब हमारे बाल छोटे हो रहे हैं तो वो दरअसल नीचे से दो मुँह के बाल हो रहे थे। उसका हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो मिनट में झट जादू कर दे। तो आप लोगों को ये रेमेडी और अपने बालों की केयर करना ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट लेना ज़रूरी है। तो चलते हैं, आपका कम टाइम लेते हैं और चलते हैं। तो ये कुछ 4 चीज़ें हैं और जिनसे ये हमारी रेमेडी रेडी हो जाएगी, जो कि हर घर में ये अवेलेबल होती हैं। कोई इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके घर में ना हो, और अगर ना भी हो तो कोई चीज़ स्किप भी हो जाए तो ये अपना बेनिफिट ज़रूर देगी। ये वो चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं, जो नुकसान नहीं देंगी, अगर फ़ायदा नहीं देंगी तो नुकसान भी नहीं देंगी। तो मैंने जो एलोवेरा लिया है वो ये है, ठीक है। एलोवेरा इसमें जो लेना है वो थोड़ा लेना है, तो मेरे पास एलोवेरा का पौधा है, उसमें से मैंने कट कर लिया है 20, और जो कि मैंने निकाल लिया है इसके अंदर, ये देखें ये होगा 1 चमचे के बराबर, ठीक है। और फिर इसको फॉक्स की मदद से इसको हमें इस तरह से मेश कर लेना है, ठीक है। और 2 लीमू हैं, हम इसमें से 1/2 लीमू डालेंगे, 1 एग है, ठीक है, और हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो क्या कहते हैं, हमारी रेमेडी जो है लेट्स स्टार्ट डू इट। तो आप लोग क्या करना है कि आप लोग जब नहाने जा रहे हों तो उससे 2 घंटे पहले ये रेमेडी बना के अपने हेयर्स पे अप्लाई कर दें। जब आपके 2 घंटे हो जाएंगे तो आप लोग फिर इसे वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। इतना कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, जैसे इतनी कोई जो ये वो नहीं है कि हम नहीं कर सकते, इस तरह कुछ भी नहीं है। आप लोग ज़रूर करें और अपने बालों की केयर करें, ठीक है। स्किप कर दी थी वो थी ऑयल, वो मैं भूल गई थी, भाई बंदा है जान भूल भी सकता है। खैर तो वो ऑयल है, ये दरअसल ऑयल कोई आम ऑयल नहीं है, ये सरसों का तेल है और इसके अंदर मैंने कलौंजी और अजवाइन जो है होती है वो मैंने जला दी थी। ये बहुत अच्छा है तेल, ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हमें थोड़ा सा तेल ऐड करना है, 1 चमचा हमें पहले एलोवेरा लेना है, ठीक है, वो जो कि इसके अंदर है वो मैंने बता दिया है आपको, और थोड़ा सा जो है वो तेल ऐड करना है। इसके जो बीज हैं वो स्किप कर देने हैं, ठीक है। देखें ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ना वैसे ही एग के अंदर बहुत सारे हम ऐड है इसके अंदर। तो हम अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है सिर्फ एग है और ये लेमन है तो ये दोनों चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ना बहुत से लोगों की ये वजूहत होती है कि वो एग इस वजह से नहीं लगाते, अप्लाई नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो स्मेल होती है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। सो आप लोग इसमें लेमन ऐड कर लें ताकि आपके फिर बालों जो उसके अंदर जो बदबू है वो उसको स्किप कर देगा, उसको उससे फाइट करेगा, और आपके जो बालों में जो लाइस वगैरह होती हैं, लीके होती हैं, वो उसको भी ख़त्म करने में मदद देगा। तो अब हम इसमें
अच्छे से फॉर्क से इसको वो कर लेंगे, मैश कर लेंगे। अब हमें सिर्फ ये हाफ लींबू लेना है। आप यकीन जाने ये जो कैप्शन मैंने रखा है 5 problem 1 solution इट्स नॉट कैप्शन, ये वैसे ही अप्लाई करेगा जैसे कोई बहुत ही महंगा प्रोडक्ट डालता है। असल हम लोगों की फितरत भी यही है कि हम लोग कोई महंगी चीज़ें लगा लेते हैं तो हम दिल से ये करते हैं कि हमने कोई महंगी चीज़ लगाई है तो ये हमारे बाल ठीक कर देगा। ऐसा नहीं है, वो महंगी चीज़ें भी इन्हीं चीज़ों से मिलके बनती हैं। आप उनके इंटरेस्ट में जाया करें और देखा करें। हमें ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये रखा है कि ये हमें इसको फेंकना नहीं है, ये अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अपनी स्किन पर अप्लाई कर लें, फेस पे कर लें, हेड पे कर लें, जहाँ आपके निशान है वहाँ कर लें। ये देखिए मैंने अपने भाई की शादी पे मेहंदी लगवाई थी, ये उसका दाग है तो ये मैं उस पर भी जब मैं रोज़ाना लगाती रहूँगी ये भी चला जाएगा। ये बहुत ज़्यादा डार्क था लेकिन अब हल्का हो गया है, बहुत तकलीफ़ हुई थी। ठीक है, अब जो है ये हो गई रेडी। इसको अच्छी तरह से हमें मैश कर लेना है। अब ये हो गई रेडी, हम इसको कर लेंगे अप्लाई। चलें अच्छी तरह हम इसको पूरे सर पे अप्लाई कर लेंगे, पार्ट कर करके पूरे बाल पे अप्लाई कर लेंगे, जड़ों में भी अप्लाई कर लेंगे और हम इसे मॉइस्चराइज कर लेंगे क्योंकि इसमें तेज है, बहुत सारी अच्छी